हाँ अर्पण जी शुरू करो। ले जी सभी मित्रों को नमस्कार, और सबसे पहले भाई अर्पण जी का आभार जिन्होंने आप सबसे मुखातिब होने का मुझे ये मौका दिया। आज के इस आयोजन में मैं शेड्यूल के मुताबिक अपनी नई आने वाली किताब एक शब्द ऋषि के देश में उसके विषय में बात करूंगा। सबसे पहले ये किताब कैसे लिखी गई उसके विषय में बताऊंगा, और उसके बाद इसके कुछ जो संस्मरण हैं उनके अंश आपको सुनाऊंगा। तो ईमानदारी की बात तो ये है कि ये किताब एक तरह से, इस किताब ने अपने आप मुझसे लिखवाया, क्योंकि मैं जब रूस गया तब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं इसके को लेकर के संस्मरण लिखूंगा। और रूस यात्रा से लौट करके भी मेरे मन में कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मुझे इसे लेकर के संस्मरणों के कोई किताब जैसी चीज लिखनी चाहिए। लेकिन बात जिस तरह से बनी वो इस तरह से ये हुआ कि इस यात्रा का जो जोग था वो सबसे पहले भाई जयप्रकाश मानस जी ने बनाया। उनकी एक संस्था है सृजनात्मक.com, सृजनगाथा.com, उसके बैनर तले 1 से लेकर के और 8 जून तक 2018 में मास्को में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन, जिसको कि उन्होंने 15वें सम्मेलन की संज्ञा दी, वो हुआ। मेरे जवाब का हाँ। बोले जवाब नहीं, मुझे आपका सवाल। नमस्कार देवंश जी, आप पढ़ी जाओ। नमस्कार, अभी मुझे आपका सवाल पल्ले नहीं पड़ा है। आपका सवाल जब मुझे मिलेगा तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा उसके विषय में। तो इसमें हम 76 आदमियों का जो दल था उसमें लगभग 70 के आसपास सक्रिय साहित्यकार थे, और जो बचे हुए 6 लोग थे वो भी साहित्य प्रेमी लोग थे। और सबसे पहले जाते ही उद्घाटन सत्र के रूप में सृजनगाथा.com के बैनर तले जो आयोजन हुआ उसमें विभिन्न साहित्यकारों ने अपनी रचनाएं पढ़ी, कविताएं भी थीं, गद्य की रचनाएं भी थीं। मैं इस बीच में जो चीज करता रहा वो ये करता रहा कि मैं हर आयोजन के चित्र लेता रहा। उसके बाद जब जब हम और जहां जहां भी हम मास्को में, पीटर्सबर्ग में और वेल की नवगोरोद में, जिन 3 शहरों का एक तरह से हमने भ्रमण किया, उन तीनों में जो जो मुकाम हमने देखे उनके फोटो, उनसे संबंधित जो जानकारी थी वो जानकारी जो कि हमने गाइड ने उपलब्ध करवाई,
या उससे संबंधित उस स्थल पर किसी तरह का यदि लिटरेचर अवेलेबल था तो वो अवश्य हम इकट्ठा करते रहे और कहीं एक दबी ढकी एक मतलब एक आकांक्षा थी कि किसी न किसी इश्यू को लेकर के और कुछ संस्मरण बन सका तो लिखेंगे। लौट करके जब मैंने विचार किया तो सबसे पहला मेरा जो संस्मरण है जो खास तौर से लियो टॉलस्टॉय की आवाज पर उनके आवाज को हमने जो देखा और जिस तरह से वहां टॉलस्टॉय के जीवन को उनके लेखन को उनके घर परिवार को तमाम चीजों को जिस तरह से प्रदर्शित किया गया था उसे लेकर के नमस्ते तारावती जी और मुझे ये जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं उसको लेकर कुछ संस्मरण लिखूं। और उसको लेकर के जब संस्मरण मैंने लिखा तो जाहिर है एक उसके ऊपर मेरे ऊपर तमाम उन चीजों का दबाव भी रहा होगा जो कि टॉलस्टॉय के साहित्य को लेकर के मैंने पढ़ा था। टॉलस्टॉय के लगभग सभी उपन्यास इस बीच में मैं पढ़ चुका था। उनका जो गहरा इंपैक्ट था वो जो कि मेरे मस्तिष्क पर था और टॉलस्टॉय के साहित्यकार व्यक्तित्व को लेकर के उनको सृजन को लेकर के उनके पारिवारिक जीवन को लेकर के जो आदर भाव मेरे मन में था उस समस्त को लेकर के और मैंने जब सबसे पहला संस्मरण लिखा तो और उसको फेसबुक पर ऑफर किया। नमस्कार सर उदय भानु जी, तो उसका बहुत रेस्पॉन्स मिला। सभी मित्रों ने उसको पसंद किया और सभी ने इच्छा जाहिर की कि बेहतर होगा आप रूस यात्रा के संस्मरण जो हैं उनको लिखते चलें। लेकिन एक सीधी सी और सामान्य सी बात है, आप किसी देश की यात्रा को लेकर के यदि कोई संस्मरण लिखते हैं तो जब तक आपको वहां के जीवन की मुकम्मल जानकारी नहीं हो तब तक आप उसके साथ न्याय नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में मेरे लिए जरूरी हो गया कि मैं और दूसरे स्रोतों से जानकारियां हासिल करूं। जाहिर है ऐसे में मैंने जो प्रवृत्ति अपनाई वो ये थी कि जो भी हम स्थल देख करके आते थे और उससे संबंधित जो लिटरेचर हमें मौके पर मिला या गाइड्स ने जो जानकारी दी थी उस सब के आधार पर एक रूपरेखा बनानी शुरू की। जाहिर है कि वो बड़ी संक्षिप्त थी, ऐसे में इंटरनेट बड़े काम आया और इंटरनेट के माध्यम से उसके बारे में और जो दूसरी जानकारियां थीं वो जानकारियां हासिल की। उन जानकारियों के हासिल करने के बाद ये जरूरी था कि इस समय जो रूस में मित्र रह रहे हैं उनसे उस तमाम सामग्री का सत्यापन करवाया जाए, उसके विषय में बात की जाए, संवाद करके जो जानकारियां प्रामाणिक लगती हैं
उन प्रामाणिक जानकारियों को के आधार पर फिर आगे बढ़ा जाए। तो इसको लेकर के मैंने सेंट पीटर्सबर्ग में फेसबुक मित्र एक हनी शर्मा रहते हैं, उन हनी शर्मा से मैंने कहा कि मैं आपसे रूस के सामाजिक जीवन, वहाँ की ट्रेडिशंस, वहाँ के तमाम दूसरी तरह के जो दूसरे आयाम हैं उनके वजह में मुझे आपसे जानकारी चाहिए। तो उन्होंने कहा अक्सर आप बताइए मुझे किस बारे में जानकारी देनी है। तो मैंने पूरे दिन एक दिन बैठ करके और लगभग 100 सवाल तैयार किए और उन 100 सवालों के आधार पर लगभग घंटे 1.5 घंटे हनी शर्मा से बात हुई। दूसरी तरह की जो चीजें मिल सकती थी वो देखी, लेकिन इसमें सबसे अधिक प्रामाणिक और सबसे अधिक विश्वसनीय जानकारी मॉस्को में रहने वाले और यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक भाई अनिल जनविजय ने जो दी, उनका अपरिमित सहयोग रहा। अनिल जनविजय ने न केवल जानकारियां दी बल्कि उन्होंने रूसी की भाषा के बारे में खासतौर से शहरों के नाम, लेखकों के नाम, व्यक्तियों के नाम, उन तमाम चीजों के बारे में उन्होंने जिस तरह की जानकारी दी वो मेरी जानकारी में पहली बार आई, बड़ी अद्भुत थी। और मुझे मालूम हुआ कि टोलस्टॉय नहीं है बल्कि रूसी भाषा में उनका नाम तलस्ताय है। इसी तरह से उन्होंने बताया कि चेखव जो हैं वो रूसी भाषा में चेखव नाम से जाने जाते हैं। इस तरह की ढेर सारी जानकारियां उनसे मिली। मैंने तमाम लिखे जा रहे संस्मरणों में इस बात का ध्यान रखा कि मैं सही उच्चारण का इस्तेमाल कर सकूं। अलबत्ता ये अलग बात है कि जब इसके प्रकाशन की बात आई तो मैंने सोचा कि जो कुछ नाम हिंदी में इस तरह से खप गए हैं उनको छोड़ करके यदि इस तरह का चीज होगी तो शायद उनके पाठकों के गले नहीं उतरेगी। इसलिए मैंने जो सामान्य रूप से प्रचलन में आने वाले शब्द थे उनको जरूर उनके साथ मैंने छेड़छाड़ नहीं की। अलबत्ता दूसरे उन्होंने जो जानकारियां दी उन सब का समावेश मैं करता रहा ताकि अधिक से अधिक विश्वसनीय चीजों को बनाया जा सके। और मुझे खुशी इस बात की है कि भाई अनिल जनविजय न केवल इस तरह की जानकारियां उपलब्ध करवा रहे थे, फेसबुक पर जो भी संस्मरण जारी किया जाता था या मैं शेयर करता था उसको उसमें जहां जहां जिस तरह की चूक होती थी वो उसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी टिप्पणियां करते थे। और इस तरह सुधार का कार्यक्रम बराबर चलता रहा और जितने भी संस्मरण थे वो अपने विषय के अनुकूल रूसी जीवन के से
एक तरह से विश्वसनीय ढंग से उठाए गए जान पड़े, अन्यथा ये तय बात है कि केवल 7-8 दिन में, और वो भी खास तौर से एक ऐसे देश में जिस देश की भाषा की आपको जानकारी नहीं है, जहां के सामाजिक जीवन का आपका कोई अध्ययन नहीं है, उसके विषय में लिखना बहुत अधिक कठिन था। तो इस तरह ये जो पुस्तक थी वो अमल में आई और फिर धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। जाहिर सी बात है कि इसके लिए मुझे मित्रों का हृदय से आभार मानना चाहिए, खासतौर से अनिल जी ने इन संस्मरणों के लिखने में और इनको संशोधित करके प्रामाणिक बनाने में जिस तरह का सहयोग दिया है वो निश्चित रूप से बहुत ही काम की चीज है और बहुत काम की चीज थी। संस्मरणों के सिलसिले में जैसा कि मैंने निवेदन किया, कि हम वहां जो जो स्थल देखने जा सके, उदाहरण के लिए स्टेट त्रित्रिकाप कला दीर्घा, अरबात स्ट्रीट का सुंदर परिदृश्य, मास्को के पास स्थित विक्ट्री पार्क, मास्को में स्थित गोरकी साहित्य सदन, मास्को का जो एक जिसे हार्ट कहा जाता है चर्च स्क्वायर, वहां बना हुआ लेनिन का महास्मारक, वहां की जो क्रेमलिन आर्मरी है वो और उससे जुड़ी हुई यादें हैं, लेनिन और गोरकी की यादें हैं, और उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग जाकर के वहां से भी आगे बस के द्वारा रूस की जो प्राचीन राजधानी है वेल्की नवगारोद, उसमें जाकर के हमने जो वहां देखा, और इसमें भी खास तौर से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रूसी शहरों का, मास्को का और सेंट पीटर्सबर्ग का जो चाकचिक्य देखा वो निश्चित रूप से चकाचौंध कर देने वाला था। ऐसे में मेरे मन में ये बराबर जिज्ञासा बनी हुई थी कि जब तक रूस के देहाती जीवन को नहीं देखा जाएगा तब तक एक तरह से रूस यात्रा का भ्रमण जो है आधा अधूरा रहेगा। सेंट पीटर्सबर्ग से वेल्की नवगोरोद जाते हुए हमें लगभग 200 किलोमीटर के रास्ते में रूसी देहात के दर्शन हुए, छोटे छोटे गांव, छोटी छोटी टाउनशिप, छोटी छोटी ढाणियां टाइप जिनको कहना चाहिए अपनी देशी भाषा में, उनको देख करके और मुझे जो समानता नजर आई वो इस बात में नजर आई कि रूस का देहात लगभग वैसा ही है जैसा कि हमारा उत्तराखंड का देहात, वही बिखरी हुई आबादी, वही ढलवा छतों के मकान, वही सघन हरीतिमा, वही नागरिकों का उस तरह का जीवन, ये तमाम चीजें देखते हुए, और मैंने कोशिश की कि
वहां के जो तमाम बड़े साहित्यकार हैं, जो जो कि हम जिनसे जुड़े हुए स्थलों को हम इस यात्रा के दौरान देख सके, और इतिहास में साहित्य और राजनीति का जिस तरह से तालमेल रहा, खास तौर से गोर्की और लेनिन का संग साथ, तोलस्तोय और गोर्की का संग साथ, वहां के इतिहास से जुड़े हुए तमाम नायक, बल्कि मैं ये भी कहूंगा अनायक भी, जिनकी वजह से आखिर में रूसी क्रांति जो है वो अपने वांछित फल नहीं दे पाई, उनके विषय में भी हमने जानकारी हासिल की, और वो जानकारी हासिल करते हुए उनको लेकर के इतिहास के नायक और अनायक, महारानी कैथरीन का महल और महत्व कवि पुष्किन जैसे संस्मरण भी मैंने लिखे, इस सब में ये सब लिखते हुए और सब करते हुए भाई अनिल जनविजय का अनुरोध था कि इस पुस्तक में कुछ संस्मरण और जाने चाहिए। जैसे कि एक उनका विशेष रूप से आग्रह था कि रूस की जो अनूठी पेंशन योजना है, जो विशेष रूप से रूस की जो पेंशन योजना है वो अपनी तरह की योजना है, जिसमें उन्होंने मुझे जानकारी दी कि रूस में ऐसा 60 वर्ष का कोई व्यक्ति नहीं है जिसको पेंशन नहीं मिलती हो, और वो पेंशन की राशि भी इतनी मात्रा में होती है कि व्यक्ति का सामान्य रूप से ठीक ठीक तरह से गुजारा हो सके। तो उन्होंने कहा उस पेंशन योजना के बारे में मैं आपको खुद संस्मरण लिखकर के दूंगा, इसके बिना ये किताब अधूरी रहेगी, यह अलग बात है कि बीच में मैं भी बीमार पड़ा और व्यवधान आया, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह हुई कि भाई अनिल जनविजय के बेटे का एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनकी रीढ़ को सघन चोट आई, उसकी वजह से वो तमाम जो जानकारियां उनके द्वारा मिलनी थी वो संभव नहीं रह पाई, और ये जो चीज थी हम पुस्तक में शामिल नहीं कर सके। इसी तरह से भाई हनी शर्मा से बात करते हुए, हनी शर्मा दिल्ली के रहने वाले हैं और सेंट पीटर्सबर्ग के एक संस्थान में काम करते हैं, बड़े पद पर हैं। उन्होंने मुझे बड़ी रोचक जानकारी दी कि भले ही रूस में कितना ही पूंजीवाद आ गया हो, लेकिन आज भी उसके संस्थानों में मजदूरों के हित सुरक्षित हैं, उनको कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता, उनको तमाम तरह की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलती हैं, और उनके वेतनमान बहुत अच्छे वेतनमानों में हैं। जब ये बात मैंने अनिल जी को बताई तो उन्होंने कहा बेशक यह जो चीज है इसका उल्लेख करना जरूरी है, इसको लेकर के भी मैं कोई संस्कृतनुमा चीज जरूर लिखना चाहता था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि उन हालात की वजह से इस पर आने वाला संस्मरण भी नहीं हुआ। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि इस पुस्तक में
हम जो करना चाहते थे उस करने के अतिरिक्त ऐसे कौन सी चीज थी जो कि शामिल होने से रह गई। खासतौर से भाई अर्पण जी का आग्रह था कि जो आप नहीं कर पाए उसकी भी आप जानकारी अवश्य दें। एक दूसरी जो चीज थी जिसका उल्लेख किस मैं खासतौर से करना चाहूंगा कि वरियाम सिंह जी जैसे सक्षम अनुवादक के होने से आज रूसी कविता हमारे लिए विदेशी कविता की तरह से नहीं है। आज हम उसको अपने मतलब हम यूरोप में यदि किसी देश की कविता के बारे में सबसे अधिक जानते हैं तो भारत में उसकी जानकारी सबसे अधिक रूसी कविताओं की जानकारी है। लेकिन मेरी पेशकश थी अनिल जी से कि रूस की जो समकालीन कविता है यदि उसके बारे में वो कोई मुझे संस्मरण लिख करके दे सकें तो हम इसमें शामिल करना चाहेंगे और वो निश्चित रूप से भारत और हिंदी के पाठकों के लिए एक नई चीज होगी। अनिल जी ने पहले हाँ भर ली लेकिन एक दो दिन बाद उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं मेरे नाम से कोई इसमें संस्मरण नहीं जाएगा। मैंने कहा यार आप तो यूं करिए आप तो संस्मरण लिख मारिए मैं अपने नाम से दे दूंगा। वो हंसने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने कहा नहीं मैं एक चीज करता हूं मैं समकालीन कुछ रूसी कवियों के कविताओं के अनुवाद करके आपको भेजता हूं उनके आधार पर आप कुछ संस्मरण तैयार कर लें तो अच्छा रहेगा। लेकिन उन तमाम व्यवधानों की वजह से वो चीज भी नहीं हो पाई। और तीसरी चीज जो इस पुस्तक में शामिल होने से शेष रही या जिस पर जिसकी मुझे बहुत जरूरत महसूस हुई थी वो थी कि इतिहास के नायक और अनायकों के बारे में तो हमने बात कर ली लेकिन खासतौर से साम्यवादी साम्राज्य का जो पतन हुआ उस समय जो शासक थे खासतौर से गोर्बाचोव उसका क्या रोल रहा क्योंकि इतिहास में वे खलनायक की तरह शुमार होते हैं लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही था क्या ऐसा नहीं था कि इतिहास एक ऐसे मोड़ पर आ गया था जिसको कोई मोड़ नहीं सकता था या यूं कहना चाहिए गोर्बाचोव ने जो किया वो एक समय की ट्रेजेडी भी थी जो वो नहीं करते तो उनकी जगह किसी और दूसरे को करना पड़ता। गोर्बाचोव के बाद जिन्होंने सत्ता संभाली उन शासकों ने और इस समय जो शासन कर रहे हैं पुतिन उन सब के विषय में एक संस्मरण अवश्य होना चाहिए। इसको लेकर के मेरी बड़ी कोशिश रही भाई अनिल जी से कि किसी भी तरह करके आप यदि इसके बारे में मुझे कुछ जानकारियां उपलब्ध करवा सकें। उन्होंने कुछ आधी अधूरी जानकारियां गोर्बाचोव के बारे में अवश्य दी लेकिन उन्हीं के आधार पर वो संस्मरण मुकम्मल नहीं हो सकता था लिहाजा वो भी स्थगित कर देना पड़ा। इस तरह जैसी बन पड़ी जो बन पड़ी लेकिन जैसी भी बन पड़ी उसमें मित्रों का सर्वोत्तम सहयोग रहा उसमें कोई कमी खामी रही तो जाहिर है वो मेरे हिस्से में आती है मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। अलबत्ता ये अलग बात है कि इसे लेकर विजया बुक्स ने जो पुस्तक छापी है वो बहुत सुंदर है।
जैसे कि मेरी योजना थी प्रत्येक संस्मरण के साथ चित्र भी अवश्य जाने चाहिए, उन सब चीजों को पूरा करते हुए और विजया बुक्स के भाई राजीव जी ने बहुत ही सुंदर किताब छापी है, आप मित्रों को उपलब्ध हो सके, आप पढ़ेंगे और मुझे सूचित करेंगे या उसमें सुझाव देंगे, वो शर्माथे। किताब के विषय में ये जानकारी के बाद मैं आपको संस्मरणों का पाठ करने जा रहा हूं। उसमें इस पुस्तक का जो सबसे पहला संस्मरण है वो रूस यात्रा की शुरुआत से लेकर के और लेव तोलस्तोय के घर तक जाती है यात्रा, ये मेरा पहला संस्मरण था। और इसी संस्मरण के आधार पर एक तरह से पुस्तक का जो शीर्षक रखा गया, एक शब्द ऋषि के देश में, उसका श्रेय भी एक तरह से इसी संस्मरण को जाता है। तो शब्द ऋषि लेव तोलस्तोय के घर में शीर्षक ये जो संस्मरण है उसका मैं पाठ कर रहा हूं। रूस के प्रति मेरे मन में श्रद्धा मिलित प्रेम भाव रहा है। एक ऐसा अप्रतिम राष्ट्र जिसने समूचे विश्व में समता मूलक और शोषण रहित समाज की स्थापना के लिए अपने आप को एक प्रयोगशाला में परिवर्तित कर दिया था। इस निर्णय के चलते कालांतर में उसने भले ही आर्थिक बदहाली और कथित पिछड़ापन मोल लिया हो, लेकिन विश्व पूंजीवादी व्यवस्था में पिछली सदी में हुए तमाम मानवीय बदलाव, जैसे काम के घंटे, न्यूनतम मजदूरी का सिद्धांत, अवकाश का प्रावधान, स्वास्थ्य सेवाओं की अनिवार्यता, ये सब उसी के चलते संभव हुआ। याद करें, कार्ल मार्क्स ने कहा था, दर्शन की उपयुक्तता दुनिया को बदलने में है। शासन की प्रविधियों पर बहस करते हुए जो लोग आज भी साम्यवादी व्यवस्था को गरियाने से बाज नहीं आते, उन्हें ख्याल रखना होगा कि बोल्शेविक क्रांति का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्ति करना भर हरगिज नहीं था। यदि किसी आंदोलन के कालांतर में विफलता ही एकमात्र मापदंड है, तो विश्व इतिहास में शायद ही कोई उदाहरण हो जो कालांतर में विफल न हुआ हो। सत्ता संस्थानों की बात छोड़िए, धार्मिक संगठनों तक में अंततः बुराई व्याप ही जाती है। धार्मिक आडंबरों के प्रखर विरोधी कबीर के संप्रदाय में इन दिनों दातुन किए जाने तक का मंत्र निर्धारित है। सृजनगाथा.com के बैनर तले आयोजित 15वें हिंदी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के तहत जब रूस जाने का सुयोग बना, तो इस महती यात्रा के लिए रवाना होने से पूर्व दिल्ली हवाई अड्डे पर कवि मित्र अंबिका दत्त, इंदिरा भाभी जी और पत्नी के साथ हवाई अड्डे पर मौजूद विशाल बुद्ध प्रतिमा के सानिध्य में फोटो खिंचाना एक जरूरी अनुष्ठान सा लगा, क्योंकि बकौल आचार्य रजनीश, विश्व महापुरुषों में बुद्ध एक अकेले उदाहरण है जिनके यहां सच्चे ब्राह्मण किसी सभी कुछ को जानने की उत्सुक जिज्ञासा और फिर उसे पाने के लिए क्षत्रियोचित उद्यम साधने का साहस
दोनों एक साथ हैं। सोवियत समाज के उस ऐतिहासिक निर्णय के पीछे भी ये दोनों कारक पूरी संवेगमयता से काम कर रहे थे। शिवानी जी नमस्कार, आपकी शुभकामनाएं मिली। रूसी विमान की फ्लाइट में बैठते ही सुंदर सुघड़ रूसी परिचारिकाओं की बिंदास लाल टोपी को देखकर सदाबहार अभिनेता राज कपूर की फिल्म आवारा का गीत मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, सहसा याद आता है। लेकिन उस टोपी को लाल भर कहना शायद उपयुक्त नहीं होगा। उसकी सुर्ख आभा में अरुणोदय का सौम्य उजास भी शामिल है। होने को तो तमाम देशों की एयर होस्टेस खूबसूरत हैं, लेकिन रूसी परिचारिकाओं की बात ही कुछ और है। गरम करो। उस पर उनकी मिठास पगी जवान से निकला वह मीठा सा नमस्ते माशाल्लाह। जून की पहली तारीख लगभग 5 बजे भोर के झीने उजास में बोर्डिंग कंप्लीट होते ही सुरक्षा व्यवस्था के डेमोस्ट्रेशन के बाद विमान ने रेंगना शुरू किया। आवश्यक घोषणाओं के बाद विमान के स्क्रीन पर दिल्ली से लेकर मास्को तक के यात्रा पथ को दर्शित करता हुआ विश्व का मानचित्र चमक रहा था। अफगानिस्तान के काबुल कंधार के बाद जैसे ही ताशकंद पर नजर पड़ी तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद रूस में हुए उस नामुराद ताशकंद समझौते की याद आना स्वाभाविक था, जो अंततः शास्त्री जी जैसे खुद्दार प्रधानमंत्री के लिए प्राणलेवा सिद्ध हुआ। नींद के आगोश में जाती पत्नी को जगाकर स्क्रीन पर इंगित करते हुए ताशकंद और उस समझौते के बारे में बताया, 1,70,75,400 किलोमीटर क्षेत्रफल वाला रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, भारत से आकार में 5 गुना बड़ा, लेकिन जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से दुनिया में 7वें नंबर पर। जहां तक आबादी के घनत्व का बात है वह विश्व में सबसे कम। रूस का 2/3 भाग एशिया में स्थित होने के बावजूद उसकी अधिकांश आबादी यूरोपीय भाग में ही है। रूस का इतिहास यूं स्लामों से शुरू होता है, लेकिन आज रूसी खजर, ततार, बोल, कजाक, कोसाक, कीव आदि सभी रूस में शामिल हैं। 1380 ईस्वी में दमित्री ने मास्को में रूसी साम्राज्य की नींव रखी थी। पीटर महान और उसके बाद हुए अन्य अनेक महत्वपूर्ण शासकों ने उसका विस्तार किया। वैसे 10वीं शताब्दी में ही रूस में ईसाई धर्म का चलन शुरू हो गया था, पर व्लादिमीर के शासनकाल में कई पत्नियों के रखने की इजाजत देने वाले इस्लाम के प्रति उनके मन में गहरा आकर्षण होने के बावजूद इस्लाम में शराब की सख्त मनाही के चलते फैसला अंततः ईसाइयत के हक में हुआ और रूस पूरी तरह से ईसाई राष्ट्र हो गया। शराब के शौक ने रूस को कुछ ज्यादा ही गारत किया है। आंकड़े बताते हैं कि रूस की लगभग 25% आबादी वोदका के चस्के के चलते 55 की उम्र तक चलते चलते अल्लाह को प्यारी हो जाती है। उसमें भी पुरुषों का अनुपात अत्यधिक है। विश्व युद्ध के दौरान रूस में हुए भयंकर जनसंहार में
स्त्री पुरुषों का अनुपात बेहतर है गड़बड़ा दिया था, लेकिन आज भी एक मोटे अनुमान के अनुसार रूसी आबादी में पुरुषों की तुलना में स्त्रियां लगभग 90 लाख ज्यादा हैं। इतना ही नहीं, पुरुषों की औसत आयु भी 63 है जबकि स्त्रियों की 75। दिल्ली से मॉस्को की दूरी लगभग 3000 मील अर्थात 4500 किलोमीटर है। 500 मील प्रति घंटे की औसत रफ्तार से चलकर भारतीय समयानुसार विमान ने लगभग 11 बजे लैंडिंग की। मॉस्को में तब 8 बजे थे। हवाई पट्टी से अराइवल पॉइंट तक जाने के लिए मिली एयरबस का ड्राइवर अपने नाप नक्श में कुछ कुछ भारतीय सा दिख रहा था। रंग भी सरबती गेहूं सा, अपने लंबे चौड़े कदकाठी और पट्टेदार पोशाक में वह कर्मठ मजदूर सा दिख रहा था। यह साम्यवादी जनतांत्रिक व्यवस्था ही का कमाल है कि उसने मजदूर जैसे अदना हैसियत के व्यक्ति को पूरी दुनिया में सम्माननीय दर्जा दिलाया। इमिग्रेशन जांच के दौरान हवाई अड्डे पर मौजूद एक वरिष्ठ अधिकारी को गाइड ने जैसे ही ये बताया कि भारत से लेखकों का एक दल रूस भ्रमण के लिए मॉस्को हवाई अड्डे पहुंचा है तो वह दौड़ता हुआ चला आया। उसने सभी विंडोज पर आकर जांच अधिकारियों से खुसर-पुसर की। इसके बाद इमिग्रेशन कार्रवाई में अद्भुत तत्परता आ गई। यह सुखद और विस्मत कर देने वाला अनुभव था। पिछले साल की गई काठमांडू यात्रा के दौरान दिल्ली काठमांडू दोनों ही हवाई अड्डों पर लगे समय की तुलना में यह चौथाई से भी कम था, लेकिन हमारी लेन की विंडो में फिर भी काफी समय लग रहा था, बगल की विंडो से लगभग 3 गुना अधिक। लिहाजा बगल की लेन वाली कतार छोटी होते ही मैंने पत्नी को इशारा किया और हम दोनों उसमें लग गए। हमसे आगे 2 यात्री थे, फिर भी अगले 10 मिनट में ही इमिग्रेशन की कार्रवाई निपटा कर हम बाहर आ गए। तब झांक कर देखा, हमारी पिछले लेन की जांच अधिकारी एक खूसट सी मुटरली महिला थी। पासपोर्ट आदि दस्तावेजों को वह जिस संदेहास्पद ढंग से नजरें गड़ा गड़ा कर घूर रही थी और जिस हेंकड़ी भरे अंदाज में पैसेंजर्स को डील कर रही थी, वह लगभग डरा देने वाला था। ठीक से सतर्कता बरती जाए यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन अंबिका दत्त और भाभी जी के उबाऊ विलंबित निपटान में उसने कुछ ज्यादा ही समय जाया किया। उसे जैसे तैसे निपट कर जब वे दोनों बाहर आए तो उनके चेहरों पर ऊब भरी झुंझलाहट को देखकर बेसाख्ता यही ख्याल दिमाग में आया कि दुनिया में मार सभी जगह कुछ अहमक किस्म के लोग मौजूद हैं जो अपनी औकात दिखाने से बाज नहीं आते। यूं तो विमान में ही ठंडी खुनक ने रूस की सर्दी तीखी सर्दी का एहसास करा दिया था, लेकिन लगेज पॉइंट से लगेज कलेक्ट करने तक अराइवल हॉल में आए तो ठंड और बढ़ी हुई महसूस हुई। लोगों ने जर्सी मफलर निकाल लिए, अपने हाथों में सजन राठा गोटकॉम का सूचना पट्ट लिए। दो रूसी महिला गाइडों ने नमस्ते के अभिवादन में हमारा स्वागत किया, सुनकर अच्छा लगा। विदेश की धरती पर पहुंचकर आदमी अपनी भाषा के प्रति कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो जाता है। बाहर निकले तो ठठुन बेत्र बढ़ गई थी, फिर भी मित्रों से चूहल की, साहेबान मॉस्को की इस ठंड को जमकर लुत्फ उठाइए, दिल्ली की बदनुमा गर्मी में यह ठंड बहुत याद आएगी। 2 बसों में बैठकर हम शहर की ओर रवाना हो गए। बसों की रवानगी के साथ ही गाइड्स ने अंग्रेजी में कमेंट्री शुरू कर दी। वे बारी बारी से रूस के भूगोल, इतिहास, मॉस्को का इतिहास और रास्ते में पढ़ने वाले सभी महत्वपूर्ण स्थलों की विस्तृत जानकारी देते हुए चल रही थी। काश वह जानकारी हिंदी में होती, उनके रशियन लहजे के चलते कुछ खास पल लेनी पड़ा। अलबत्ता सड़क के दोनों ओर खड़े ऊंचे ऊंचे हरे भरे लिंडन और मेपल के दरख्त व फुटपाथ से सटी धूप की हरितिमा मुग्ध कर देने वाले थे।
उससे भी अधिक अवाक कर देने वाला था सड़क के दोनों ओर स्थित ऊंचे विशाल भवनों का स्थापत्य। सभी चकित मुग्ध थे। मैंने सयाते मित्रों से पूछा कि उनमें से किसी ने अन्य यूरोपीय देशों की यात्रा की हो तो बताएं कि इन रूसी भवनों का स्थापत्य उन जैसा ही है या फिर इनमें कोई अनूठापन भी है। हिंदी में चर्चित रही पत्रिका परिवेश के संपादक भाई मूलचंद गौतम ने बताया कि रूसी भवनों के इस स्थापत्य में ग्रीक, इतालवी और इंग्लिश स्थापत्य शैलियों के साथ ही पारंपरिक रूसी स्थापत्य शैली का सदा समन्वित इस्तेमाल हुआ है। मास्को में हमारा पहला पड़ाव टॉलस्टॉय स्ट्रीट में स्थित टॉलस्टॉय म्यूजियम भवन था। यद्यपि शेड्यूल के मुताबिक लंच के बाद हमें गोर्की हाउस देखने जाना था, इस उल्टा पुल्टा को लेकर सभी खिन्न भी हुए, पर बाद में चौथे दिन गोर्की हाउस जाकर लगा कि जो भी हुआ वो ठीक ही हुआ। हमारे ग्रुप की तादाद को देखते हुए हमें गोर्की हाउस के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। हार कर, मन मार कर हम बाहर से ही फोटो शोटो लेकर लौट आए, जिसका सभी मित्रों को मलाल था। खैर, टॉलस्टॉय म्यूजियम के बाहर लगे पट्ट पर उनके लेखन टेबल के साथ ही उस साइकिल को भी जगह दी गई है जिस पर टॉलस्टॉय कभी नगर भ्रमण किया करते थे। टॉलस्टॉय ने साइकिल चलाना 67 वर्ष की सुदीर्घ वय में सीखा था, पर आगे चलकर यह उनकी प्रिय सवारी बन गई। बाहर से देखने पर लकड़ी से बनी टॉलस्टॉय म्यूजियम की इमारत किसी पुरानी समृद्ध रूसी इमारत जैसी दिखती है, लेकिन उसके भीतर टॉलस्टॉय और उनके परिवार की स्मृति को जिस सजीव ढंग से संजोकर रखा गया है वह अभिभूत कर देने वाला है। बच्चों के खिलौने, टॉलस्टॉय और उनकी पत्नी सोफिया के गाउन, टॉलस्टॉय की राइटिंग टेबल, 12 व्यक्तियों के बैठ सकने वाली डाइनिंग टेबल, तांबे से बनी विशाल केतली, टी पॉट्स, क्रोकरी, आदमकद आईना, गुलदस्ते, टॉलस्टॉय का बेड, झालरदार पर्दे, कारपेट्स, घर के सदस्यों की फोटो आदि 6000 के आसपास चीजों का प्रदर्शन इस भवन में किया गया है। जो कॉमन टॉलस्टॉय और विश्व के सबसे ख्यात लेखक टॉलस्टॉय के कभी रहने होने और उन चीजों के बरतने की सजीव गवाही देते हैं। यद्यपि इन चीजों को छूने की सख्त मनाही है और वहां नियुक्त कर्मचारी इसका विशेष ख्याल रखते हैं, पर वहां तैनात एक महिला कर्मी ने पत्नी की बुजुर्गियत को देख का ख्याल करते हुए जिस भावपूर्ण आग्रह से कुर्सी पर बैठ लेने का अनुरोध किया, उसे देखकर लगभग भीग गया। टॉलस्टॉय दंपति ने यह भवन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए खरीदा था। टॉलस्टॉय पुलनाया यासनाया को छोड़कर मास्को आने के लिए खास मूड में नहीं थे, पर जीवन की व्यावहारिक समझ से लैस सोफिया ने बच्चों की बेहतर पढ़ाई की दलीलें देकर उन्हें किसी तरह रजामंद किया था। टॉलस्टॉय लगभग 10 बजे के आसपास अपने लेखन कक्ष में आ जाते थे, फिर उनका लिखना पढ़ना 3-4 बजे तक चलता था, पर उस समय वहाँ पिंड्रोप साइलेंस होना नितांत जरूरी था, जिसे सोफिया के दृढ़ अनुशासन ने संभव बनाया। सोफिया टॉलस्टॉय की जीवन संगनी, दोस्त, सचिव, परामर्शदात्री, परिचारिका सभी कुछ थी। टॉलस्टॉय के लिखे के हिज्जे दुरुस्त करना, संपादन के बाद अंतिम ड्राफ्ट तैयार करना, नाश्ते लंच की समय पर समुचित व्यवस्था करना सब उसी के जिम्मे था। टॉलस्टॉय के निर्माण में सोफिया का अप्रथम योगदान था। टॉलस्टॉय की पांडुलिपियों की नकल नवीशी और उनके संपादन को व्यवस्थित करने के साथ ही वे उनके दैनंदिन जीवन के सूक्ष्म ब्यौरों को अपनी डायरी में जिस तरह सिलसिलेवार ढंग से दर्ज करती रहीं, उसकी दूसरी मिसाल इतिहास में नहीं है। लेकिन
वह उनकी गहरी साहित्यिक समझ और प्रबंधन की खूबियों को जाहिर करता है, लेकिन जीवन के अंतिम वर्षों में तोलस्तोय के जीवन के प्रति वैराग्यपूर्ण रवैये ने उन्हें खासा व्यथित और हताश किया। शुरुआती प्रेमालाप के बाद तोलस्तोय की पत्नी सोफिया से प्रायः अनबन रही। छोटे बेटे इवान की मृत्यु 6 वर्ष की आयु में अकाल मौत होने के बाद तो जैसे उनके दाम्पत्य जीवन का पटाक्षेपी हो गया। कहते हैं युद्ध और शांति जैसे विश्वख्यात उपन्यास के लेखन को तोलस्तोय ने 6 वर्ष लगे पूरा करने में। इस बीच अपने लिखे को कभी न काटने वाले और बाज वक्त खराब लिखे को नष्ट तक कर देने वाले तोलस्तोय ने इस उपन्यास के कई ड्राफ्ट किए। इस उपन्यास ने उन्हें लगभग निचोड़ लिया। फलते उसके पूरा होते ही वे विदेश यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन स्टेशन पर एक सुंदर धनी महिला द्वारा आत्महत्या की गई आत्महत्या ने उन्हें बेतरे झकझोर दिया। उन्हें बताया गया कि वह अमीर महिला अपने पति को छोड़कर किसी जवान फौजी प्रेमी से शादी करना चाहती थी, उसमें असफल रहने पर उसने खुदकुशी कर ली। यह सुनकर तोलस्तोय बेतरे विचलित हुए और अगले कुछ सालों तक अपने फौजी जीवन और उससे जुड़े प्रेम प्रसंगों को समाहित करते हुए वे अनाकारिणीना के लेखन में जुट गए। लेकिन पुनरुत्थान तक आते आते तोलस्तोय लेखन से विरत होकर धर्म दर्शन और अध्यात्म की गलियों में खो गए। उन्होंने प्राचीन यूनानी दर्शन, ईसाइयत, उपनिषदों, बुद्ध, लाओत्से आदि का विस्तृत अध्ययन किया। कैलेंडर ऑफ विजडम और सर्किल ऑफ रीडिंग में उनके अध्ययन के विशाल दायरे को देखकर दंग रह जाना पड़ता है। कभी ताश जुए में पारंगत खिलाड़ी और शराब की लत में डूब रहे तोलस्तोय ने वे सब छोड़कर अहिंसा, त्याग, ब्रह्मचर्य, आत्मसंयम और मानव सेवा का रास्ता इख्तियार किया। वे पूरी तरह शाकाहारी हो गए। गांव में जाकर किसानों के बच्चों को पढ़ाना सिखाना, उन्हें कहानियां सुनाना, कुएं से खुद पानी निकालना, लेदर बूट बनाना, इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने गांव के कई जागीरें में किसानों के नाम कर दी। फलते उनके कुल परिजन और साथियों ने उन्हें सनकी, बूढ़ा और पागल करार दिया। लेकिन तोलस्तोय इस सब से विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी पत्नी से साफ कहा कि वे अब घर छोड़कर वानप्रस्थ साधना चाहते हैं। सोफिया तोलस्तोय के इस निर्णय के पूरी तरह खिलाफ थी, पर वह उन्हें रोक नहीं पाई। खूब सोच विचार का अंततः 10 नवंबर 1910 को 82 साल की उम्र में आधी रात को बुद्ध की तरह यासनाया पोलियाना के 6,500 गांवों वाले उच्च वर्गीय ताल्लुकदार काउंट निकोय विच तोलस्तोय ने 2 जोड़ी कपड़ों में हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। जाने से पहले उन्होंने सोफिया के नाम एक पत्र लिखा, मगर उसे भेजा नहीं। उसके ऊपर लिखा था, मेरी मृत्यु के बाद दिया जाए। पत्र में लिखा था, प्रिय सोफिया, मेरे धार्मिक सिद्धांत और मेरे जीवन में जो विरोधाभास है उसके कारण मुझे बहुत दिनों से मानसिक पीड़ा हो रही है। मैं तुम्हें इस जीवन शैली को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ही तुम्हें इस तरह के जीवन शैली में ढाला है। लेकिन अब मैं वह कार्य करना चाहता हूं जिसे करने की मेरी बड़ी इच्छा है, यानी मैं तुम लोगों से विदा होकर कहीं और जाना चाहता हूं। इसके कई कारण हैं। पहला यह कि उम्र बढ़ने के साथ साथ मुझे जीवन तकलीफ दे महसूस होने लगा है और एकांत में रहने की इच्छा प्रबल हो गई है। दूसरा यह कि लड़के बड़े हो गए हैं और अब मेरा घर पर रहना जरूरी नहीं लग रहा। तीसरा कारण यह कि जिस तरह हिंदू लोग 60 वर्ष की अवस्था में जंगल में चले जाते हैं, उसी तरह मैं भी अपने जीवन के अंतिम दिन ईश्वर का स्मरण करते हुए गुजारना चाहता हूँ। यदि मैं अपने इस विचार पर खुलकर अमल करूंगा तो लोग मुझे रोकेंगे, विनती करेंगे और संभव हुआ
तो मुझे जाने नहीं देंगे। अगर मेरे ऐसे कार्य से तुम लोगों को कष्ट हो तो तुम लोग मुझे क्षमा कर देना, तुम लोग खुशी खुशी मुझे जाने की इजाज़त दे दो, मेरी खोज मत करना, तुम्हारा स्नेही लेव तोलस्तो। लेकिन घर से निकलने के 10 दिन बाद ही तोलस्तो अस्थपावा गांव के स्टेशन की बेंच पर अचेत अवस्था में मिले। यद्यपि स्टेशन मास्टर उन्हें जानता था, उसने जी जान से उनकी परिचर्या भी की। इस बीच खबर पाकर सोफिया भी पहुंच गई, लेकिन शाकाहार की जिद और नवंबर की जानलेवा ठंड के प्रकोप के चलते वे निमोनिया के शिकार हो गए। वे तोलस्तोय को बचा नहीं पाए। किसानों की व्यथा कथा और अकाल की खबर मिलते ही अपने घोड़े को दौड़ाते हुए गांव में पहुंचने वाले काउंट टोलस्टॉय के अंतिम दर्शन के लिए आसपास के गांवों से लाखों किसान मजदूरों का रेला उमड़ पड़ा, जिन्हें संभालने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। किसान मजदूरों के प्रति इस गहरी हमदर्दी के चलते ही बोल्शेविक क्रांति के प्रचंड दौर में भी उनके परिवार पर किसी तरह की आंच तक नहीं आई। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट होने के लिए डी क्लास होने का सूत्र दिया था, उसे तोलस्तोय ने जीकर दिखाया। आज यह सोचकर भी हैरानी होती है कि पश्चिमी संस्कृति की हिंसा वृत्ति के विरुद्ध गांधी के अहिंसा मूलक सत्याग्रह का अनूठा सूत्र तोलस्तोय ने दिया था, जिसे साध कर गांधी गांधी हो सके। मुझे लगता है पूर्व और पश्चिम के संधि स्थल पर स्थित रूस भले ही व्लादिमीर के शासन में ईसाइयत की ओर मुड़ गया था, लेकिन तोलस्तोय ने उसकी भावधारा को एशिया बल्कि उससे भी अधिक भारतीय उपमहाद्वीप की ओर मोड़ने का सफल प्रयत्न किया था। यह सब सुनते, स्मरण करते, सोचते हुए जब बाहर आए तो मन वीतरागी सा हो रहा था, पर बाहर आकर जब टोलस्टॉय म्यूजियम से जुड़े पार्क में लगे टोलस्टॉय और सोफिया के सुंदर आदमकद कटआउट को देखा तो तसल्ली हुई। कोई 2.75 एकड़ में फैले उस सुंदर उद्यान को देखने और टोलस्टॉय सोफिया के कटआउट के साथ फोटो सेल्फी लेने के बाद हम लोग होटल के लिए रवाना हो गए। तो ये मेरा पहला संस्मरण था, उम्मीद है मित्रों को पसंद आया होगा। यद्यपि उसकी पाठ में खासा सा टाइम लगा, अब मैं अधिक तो नहीं लेकिन एक एक छोटा संस्मरण और युद्ध और शांति का कीर्ति स्तंभ है विक्ट्री पार्क, ये आपके साथ साझा करना चाहूंगा। विक्ट्री पार्क रूस सरकार द्वारा फ्रांसी सेना के पराभव और राष्ट्रीय स्वाभिमान की स्मृति में निर्मित गौरव स्थल है। यहां रूसी सेना को पराजित करने के बाद फ्रांसीसी सेना ने मास्को के पास अपना पहला पड़ाव डाला था। 1812 में फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन ने रूस को अपने साम्राज्य में शामिल करने के ख्याल से रूस पर हमला किया था। 26 अगस्त के दिन मास्को से 96 किलोमीटर दूर स्थित 12 दिनों के मैदान में रूसी सेनापति कुत्सुव के नेतृत्व में फ्रांसीसी और रूसी सेनाओं की लड़ाई हुई। इस युद्ध में रूसी सेना की बुरी तरह से हार हुई, लिहाजा कुत्सुव ने पीछे हटने का फैसला किया। वे सेना के साथ मास्को लौट आए। करारी पराजय के बाद रूसी सेना को इस तरह भागते देख नेपोलियन खुशी से फूला न समाया। इस जीत को ने उसे लगभग पगला दिया था। वरियाम सिंह जी को
और ममता कालिया जी को बहुत बहुत नमस्कार, और आपकी इस प्रतिक्रिया को जानकर मुझे बहुत, मैं गदगद हूं। लेकिन रूस के सेनापति कुत्सुप ने उस तात्कालिक कूट निर्णय ने दुनिया का इतिहास ही बदल दिया। मास्को लौटने के बाद रूसी सेना ने मास्को छोड़कर और पीछे हटने का फैसला किया। ऐसा होते देख मास्को के नागरिकों ने भी शहर छोड़कर चले गए। जाते हुए उन्होंने अपने घरों में आग लगा दी। 2 सितंबर को जब नेपोलियन मास्को पहुंचा तो मास्को धू धू जल रहा था। 3 सितंबर को मास्को में तेज हवाएं चलने लगी जिनसे आग बेतरह भड़क उठी और मास्को शहर जलकर खाक हो गया। विजय नेपोलियन को पूरी तरह जला और बर्बाद मास्को मिला। फ्रांसिस सेना को रोटी पानी दूर मास्को में सिर छिपाने के लिए जगह तक नहीं मिली। कहते हैं उस साल जाड़ा भी जल्द शुरू हो गया। 15-20 दिन बाद ही तापमान 0 से 10-12 डिग्री नीचे चला गया। फ्रांसीसी सैनिक ठंड और भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे। जो लोग किसी भी तरह की दैवीय शक्तियों में विश्वास नहीं करते उन्हें रूस और फ्रांस के इस युद्ध को एक नजीर की तरह लेना चाहिए। यदि आप प्राकृतिक न्याय के साथ हैं तो प्रकृति खुद आगे बढ़कर आपकी मदद करती है। आग, हवा और शीत ने जैसे खुलकर रूसियों की मदद को आ गए क्योंकि वे आक्रांता नहीं थे। इतिहास में अनेक बार ऐसी घटनाएं घटी हैं। वह चाहे मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाते वक्त मकड़ी के जाले पूरने का वाकया हो या दलाई लामा के भारतीय सीमा में प्रवेश की घटना। कहते हैं उस दिन भी तिब्बत भारत सीमा पर घना कोहरा छा गया था जिसके होते करते लाख चाहकर भी चीनी दलाई लामा को पकड़ नहीं पाए। मास्को में घटी इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के चलते नेपोलियन को समझ में आ गया कि रूस को अपने साम्राज्य में शामिल करने का उसका सपना पूरा होना संभव नहीं है। लिहाजा अपनी आधी अधूरी सेना के साथ अक्टूबर को उसने लौटने का फैसला किया। रूसी सेना फ्रांस की भूखी और अधमरी सेना का पीछा करते हुए फ्रांस तक जा पहुंची और उसने फ्रांस पर कब्जा कर लिया। नेपोलियन के विरुद्ध लड़े गए उस ऐतिहासिक महत्व की युद्ध और अंततः रूस को उसमें मिली विजय को स्मृति में रूसी सरकार ने 1960 में पोकलोनाया पहाड़ी की तलहटी में विक्ट्री पार्क और मार्क म्यूजियम के निर्माण की योजना बनाई। 1963 में युद्ध के असली हीरो सेनापति कुत्सुप की प्रतिमा स्थापित की गई। 1983 से 1995 के बीच उस महान शहीद युद्ध की स्मृति में वार म्यूजियम निर्मित हुआ और 9 मई 1995 को तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति बोरिस यल्त्सिन और रक्षा मंत्री पावेल ग्रेविच की मौजूदगी में पहली युद्ध परेड हुई। 2005 में 60वें विजय दिवस पर वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी परेड की सलामी ली। मास्को स्थित इस विक्ट्री पार्क और वार म्यूजियम के उस ऐतिहासिक युद्ध से जुड़ी हर यादगार चीज को यहां देखा जा सकता है। शत्रु सेना से छुड़ाए गए टैंक, छीने गए और बाद में रूसी सेना के काम में आए और बेहद कामयाब रहे किर्गिजी हाफ ट्रक, शत्रुओं से झपटते हुए भालाधारी घुड़सवार, तोप, गोला बारूद, उनसे हुई भारी तबाही का मंजर फ्रांसीसी सेना द्वारा युद्ध के दौरान रूसी स्त्रियों को नग्न कर उनके साथ की गई बदसलूकी, विजय उद्घोष करते उसे एंजॉय करते रूसी सैनिक, सभी कुछ यहां देखने लायक है। लेकिन सबको जिस तसल्ली से देखने अनुभव करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए था दुर्भाग्य से हमारे पास वह नहीं था। आयोजकों ने हमें आध घंटे में वापस लौट आने का फरमान जारी किया हुआ था, अतः हम लोग बाहर से ही ताका झांकी करके लौट आए।
तोलस्तोय का जन्म नेपोलियन के हमले के 16 वर्ष बाद 9 सितंबर 1828 को मास्को से 110 किलोमीटर दूर तुला नगर के एक जागीर में हुआ था। बड़े होने पर तोलस्तोय मास्को आते जाते रहे थे, अलबत्ता तब तक मास्को फिर से पूरी तरह आबाद नहीं हुआ था। नेपोलियन की पराजय, फ्रांसिस सेना की दुर्गत और कुतुजोफ की चतुर युद्ध नीति की चर्चा रूस में जन जन की जबान पर थी। इन्हीं सब के बीच तोलस्तोय जवान हुए, बाद में वे खुद सेना में अफसर रहे तथा उन्होंने वहाँ सैनिक अभियानों का संचालन और सेना के बड़े अधिकारियों का व्यवहार निकट से देखा जाना। रूसी विजय की कहानियाँ उन्हें रोमांचित करती थीं। लिहाजा 1863 में तोलस्तोय ने उस युद्ध को लेकर एक उपन्यास लिखने की ठानी। कहते हैं, बरादिनों के युद्ध मैदान को देखने के बाद तोलस्तोय ने कहा था, यहाँ जो कुछ हुआ था मैं उसके बोध से भर गया हूँ। और अगले 6 सालों तक वे वैनाई मीर नामक अपना उपन्यास लिखने में व्यस्त रहे। वैना यानी युद्ध, ई अर्थात और मीर को मीर के रूसी भाषा में दो अर्थ हैं, पहला दुनिया, दूसरा शांति। इस तरह तोलस्तोय ने अपने उपन्यास को नाम दिया था युद्ध और दुनिया। लेकिन जब उनके उपन्यास का पहला अंग्रेजी अनुवाद ब्रिटेन में किया गया तो अनुवादक ने वैना या मीर का अनुवाद युद्ध और शांति प्रस्तावित किया। अनुवादक द्वारा सुझाया गया नाम तोलस्तोय को भी पसंद आया, तभी से इस उपन्यास को समूचे विश्व में युद्ध और दुनिया के बजाय युद्ध और शांति के नाम से जाना जाने लगा। युद्ध और मनुष्य की नीति को परिभाषित करते उपन्यास युद्ध और शांति की दुनिया युद्ध और शांति को दुनिया में बेहतरीन उपन्यासों में शुमार किया जाता है। जीवन से जुड़े हर प्रसंग में तोलस्तोय ने जीवन से जुड़े हर प्रसंग को तोलस्तोय ने गहरे में डूबकर जीवंत बना दिया है। रूस के विशिष्ट जनों के मास्को से पलायन की तुलना में की तुलना वे उस छत्ते से करते हैं जिससे रानी मक्खी जा चुकी है। इसे लेकर वे लिखते हैं, महारानी विहीन छत्ते में जिंदगी नहीं होती। उसके प्रवेश द्वार पर संतरी मधुमक्खियां भी नहीं हैं जो अपने डंक उठाए छत्ते की रक्षा के लिए अपने प्राण तक देने को तत्पर रहती हैं। छत्ते के प्रवेश द्वार से पहले की भांति शहद और विष की मदरा में मिश्रित सुगंध नहीं आती। छत्ते के पूरी तरह भरे होने के गर्माहट की नहीं बल्कि शहद के साथ रिक्तता और सड़ी हुई मिट्टी की गंध की अनुभूति होती है। हर तरफ घोर अराजकता, उधर पीछे रह गए लोग बार बार झींक रहे हैं, कुलीन और व्यापारी तो सभी चले गए और हमें मरने खपने के लिए छोड़ गए। हम क्या कोई कुत्ते हैं? अद्भुत है तोलस्तोय का विवेचन, ठीक जिंदा कविता की तरह व्यंजक और मर्मस्पर्शी। यूं तोलस्तोय का कविता से भी गहरा लगाव था। उनकी पत्नी सोफिया एंद्रेयेवना की डायरी में एक टीप इस तरह दर्ज है, लेव निकोलायेविच स्वस्थ हो रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं कविता रच रहा हूं। पंक्तियां इस प्रकार हैं, मैं सब जीत लूंगा, सोना बोला। मैंने उसे इस प्रकार व्यक्त किया, मैं कुचल और तोड़ दूंगा, सामर्थ बोला। मैं पुनर्रचना कर दूंगा, मस्तिष्क बोला। इस संस्मरण में आए हुए तमाम तथ्यों की जानकारी के लिए भाई अनिल जन्मदेव का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। तो इस तरह से मित्रों, आज की इस चर्चा में मैंने आपसे इस पुस्तक के लिखे जाने की कहानी और दो संस्मरण आपके साथ साझा किए। आपने मुझे सुना, सराहना की, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ।
आपका और भाई अर्णव जी का एक बार पुनः आभार, नमस्कार।